क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास. टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर. अगेन उसी तरह ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू किया. इस रेक्टेंगल की दो साइड्स को वो कह रहा है कि डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर. लेट अगेन एक्स इज द विड्थ एंड वाई इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, वो क्या कह रहा है? डिफरेंस से मतलब इन दोनों को अगर आप माइनस करो तो जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर थ्री इज कि दो साइड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ पे सपोज किया है एक्स इज द विड्थ एंड वाई इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. सेकेंड इंफॉर्मेशन उसमें वो कह रहा है के द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर. मतलब अगर आप विड्थ को लेंथ में ऐड करते हो तो आपके पास जो पेरीमीटर है यानी जो मेजरमेंट आएगी वो 67 सेंटीमीटर है, जो इंफॉर्मेशन आपको दूसरी दे दी गई है. अगेन लेट एक्स इज द विड्थ ऑफ द ट्रायंगल एंड वाई इज द एक्स इज द विड्थ ऑफ द ट्रायंगल एंड वाई इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है इन दोनों का डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर. सेकेंड इंफॉर्मेशन है इसके अंदर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर. सो इसका पेरीमीटर अभी हमने देखा कि अगर आप इन दोनों को यानी लेंथ और विड्थ को ऐड कर देते हो तो जो मेजरमेंट होगी उसकी वो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, विच इज 67 सेंटीमीटर. अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा हमने अभी अभी ट्राई किया है. तो आप इसमें से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाएंगे पहले और फिर अननोन्स का एंड देन मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. अब क्रामर्स रूल यूज़ करिए या फिर इन्वर्स मेथड यूज़ करिए, दोनों ही मेथड से आपको डायमेंशन फाइंड करनी है जो कि इक्वल आएगी दोनों ही मैथड से. डायमेंशन से मतलब उसका फिर से वही है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो उसके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके दो एंगल जो हों, ये और ये, दो एंगल्स सेम हो, उनकी एंगल की जो डिग्रीज हैं वो सेम होते हैं. ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल्स इक्वल हों उसको आइसोसेलेस बोलते हैं. सो द टू सॉरी द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन नंबर फोर के जो दो इक्वल एंगल्स हैं, लेट आपके पास फर्स्ट इक्वल एंगल एक्स है तो सेकंड भी फिर एक्स होगा. इट इज बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल. सो अगर इन दो एंगल्स को एड करें, वो कह रहा है द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स माइनस 16 डिग्री. 16 डिग्री उसमें से माइनस कर दें इन दोनों एंगल्स से, तो जो आपके पास नया एंगल बनेगा, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स. यानी इन दो एंगल्स के सम में से 16 डिग्री माइनस करें तो जो एंगल बनेगा वो आपके पास ये एंगल थर्ड होगा. मैं उसको नाम दे देता हूँ वाई का. सो आपने इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं. लेट वी हैव x is the one of equal angles. And y is the third angle. थर्ड एंगल हमने सपोज किया है y है और जो x है वो इन दो इक्वल एंगल्स में से एक है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स उसमें से 16 डिग्री लेस करेंगे तो जो नया एंगल बनेगा वो होगा आपके पास थर्ड एंगल. सो 2x माइनस 16 इक्वल्स टू
थर्ड एंगल, यानी दो दो एंगल्स, ये दो इक्वल एंगल्स हैं, हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करना बिल्कुल उसी तरह x प्लस x विच इज इक्वल टू 2x, सो 2x इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को x को जो इक्वल है हमने ऐड किया, तो हमारे पास 2x आ गया। और स्टेटमेंट के मुताबिक बिल्कुल वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के सम में से आप 16 डिग्री माइनस करें तो आपके पास थर्ड एंगल बनता है जो कि हमने सपोज किया हुआ है y है। इसको अगर रीराइट आप करते हैं, 16 को दूसरी साइड पे लेके जाइए और y को इस साइड पे लेके आइए इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे, y जब इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा और 16 जब इक्वल की राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी 2x माइनस y इक्वल्स टू 16। दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उसने आपको दी है। एंड सेकेंडली वो आपको ये कह रहा है फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने आपको नहीं दी, लेकिन हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करते हो, मतलब x प्लस y, ये आपको प्रोड्यूस करता है 180 डिग्री। कितना? तीनों एंगल्स का सम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल, तीन एंगल्स का सम करें तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री। ये आपके पास सेकंड इंफॉर्मेशन है जो आपको वैसे ही पता है। तो आप यहां पे दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे विच इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 180। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा और ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से बिल्कुल उसी तरह आप मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनाइए और ए मैट्रिक्स ऑफ अननोन और फिर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, इन दोनों को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यूज ले लेंगे। जब x और y की वैल्यूज आ जाएंगी उसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो थर्ड एंगल होगा, x की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट एंगल और वही वैल्यू x की सेकंड एंगल होगा। उन तीनों को आप अगर ऐड करके देखेंगे तो वो वापस 180 ही आएगा। तो जो x और y की वैल्यूज आएंगी उनको इन दोनों इक्वेशंस में आप प्लग करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल कंपैटिबल होंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वन एक्यूट एंगल of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. जो acute angle होता है, acute angle is according to the definition ऐसा angle होता है जो 0 degree से ज़्यादा हो और 90 degree से कम हो, यानी ऐसा angle जो less than 0 degree हो और less than 90 degree हो, greater than 0 degree हो, उसको हम बोलते हैं acute angle. तो क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है जिसका एक एक्यूट एंगल 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के ट्वाइस करें यानी डबल करें तो उससे 12 डिग्री मोर है, यानी 12 डिग्री ज्यादा है। लेट वी हैव अ शेप ऑफ दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। So this is a right angle triangle जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का है और एक ये acute angle है और एक ये acute angle है। Let this is x and this is y, ये दो आपके पास acute angle है। अब ये angle भी less than 90 degree और 0 से ज़्यादा है और इसी तरह ये x भी 0 से ज़्यादा और 90 degree से कम है। अब statement के अंदर वो ये कह रहा है one acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice of the other acute angle. तो आप let कीजिए x is the first acute angle and y is the other acute angle. According to the statement, आपका ये एंगल y जो है वो इसके ट्वाइस से
12 डिग्री ज्यादा है, यानी वन एक्यूट एंगल इज द 16 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल. अदर एक्यूट एंगल हमने सपोज किया वाई को, और ये आपका फर्स्ट है. सो एक्स प्लस टू वाई, सॉरी एक्स प्लस, लेट वी मेक इट एक्स प्लस 16 डिग्री इक्वल्स टू टू वाई. सो द अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, आपके पास जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है, वन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री, हाँ दिस इज 12 डिग्री नॉट 16 डिग्री, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर. सो फर्स्ट एंगल इज एक्स, इसमें ऐड करिए 12 डिग्री, दिस इज 12 डिग्री मोर देन, एंड टू वाई मीन्स ट्वाइस और डबल ऑफ द अदर अदर एंगल, और दिस इज अदर एक्यूट एंगल. सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, आपका जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है, दिस इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंगल. एंड आपको बोला गया है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. बिल्कुल उसी तरह इस ट्राइंगल के भी अगर आप सम करते हो तीनों एंगल्स को, 1, 2 एंड 3, तो आपके पास 180 डिग्री आएगा. लेकिन चूंकि अब आपको ये पता है कि एक एंगल जो है आपके पास वो 90 डिग्री का है, तो पीछे दो एक्यूट एंगल्स एक्स और वाई है, जिनकी जो आपके पास मेजरमेंट्स है वो कितनी रह जाएंगी, 90 डिग्री. बिल्कुल ऐसे जैसे आप ये एडिशनल वर्किंग करिए, अगर एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एक्स प्लस वाई यानी दो एक्यूट एंगल्स जो है वो आपके पास कितने रह जाएंगे, फिर 90 को दूसरी साइड पे लेके जाइए, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री रह जाएगा, विच इज योर अदर इंफॉर्मेशन जो आपको वैसे ही पता होगा. सो एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब बिल्कुल इसी तरह यहां से भी ये मैं डिग्री हटा देता हूं, यहां से भी नहीं, यहां भी नहीं हमने लिखा. तो अगर 2y को इस फर्स्ट इक्वेशन में से 2y को इस साइड पे लेके आइए और 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो आपके पास ये रह जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 12. दिस इज योर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इक्वल्स टू माइनस 12 एक्चुअली. ये पॉजिटिव जब उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90. सो दिस इज योर सेकेंड इन्फॉर्मेशन और सेकेंड इक्वेशन. बिल्कुल उसी तरह इन दो इक्वेशन से आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद क्रामर्स रूल यूज कर लीजिए, या फिर इनवर्स मेथड जो कि हम दोनों ही पहले सीख चुके हैं, पहले अभी जो लास्ट में क्वेश्चन किया था. टू कार्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार इस्लामाबाद से लाहौर है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मान लीजिए 6 किलोमीटर है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स, और उनकी स्पीड्स का दरमियान फर्क कितना है, यानी यहां से जो कार जा रही है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से जो यहां पे आ रही है, उन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर्स है पर आर. लाइक लाहौर जाने वाली कार 100 किलोमीटर पर आर आ रही है जो इस्लामाबाद से, और लाहौर से जो इस्लामाबाद जा रही हो उसकी अगर आप स्पीड मानो तो वो 94 किलोमीटर है. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. आप ये सीखिए कि यहाँ पे वो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, जिनका दरमियान डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर का, और उन दोनों की जो स्पीड है वो डिफर कर रही है, स्पीड में डिफरेंस कितना है 6 किलोमीटर पर आर का. And the cars are 123 kilometers apart after 4.5 hours. यानी 4.5 hours के बाद उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 123 किलोमीटर ओनली. तो 6 किलोमीटर में से 123 किलोमीटर अगर आप माइनस करें, तो जितना आपके पास डिस्टेंस बचेगा वो उन्होंने 4.5 hours में कन्वर्ट किया, 4.5 hours में कवर किया है. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. अब आपको दोनों कार्स की जो अलग अलग स्पीड थी, जो हमने पहले सपोज किया है 100 और 94 है, तो उनको आपने फाइंड करना है. सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. लेट करते हैं x इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार. लेट x इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड y इज द स्पीड ऑफ सेकेंड कार. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट के मुताबिक देखते हैं, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर. सो आपके पास जो x माइनस y है इक्वल है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 वो जो डिफरेंस है उन दोनों की स्पीड्स का. और उसके बाद वो ये कह रहे हैं जो 4.5 hours के बाद उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 123 किलोमीटर रह गया. तो 4.5 hours, सो दिस इज, ये भी आपकी 4.5 hour की 4.5 hour एक्स भी कार चली है, और उसी तरह बिल्कुल 4.5 hour जो है वो वाई कार भी आपकी चली है. तो दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, वो डिस्टेंस कितना कवर किया, 600 माइनस 123 किलोमीटर, क्योंकि 600 उनका टोटल डिस्टेंस था और 123 डिस्टेंस वो है जो 4.5 hours वो एक दूसरे की तरफ मूव करने के बाद जो उनका डिस्टेंस रह गया. फिर से एक दफा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, 600 किलोमीटर वो एक दूसरे से अपार्ट है जो कि टोटल डिस्टेंस था उनका, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आर, और उनकी स्पीड्स जो है वो 6 किलोमीटर पर आर से डिफर कर रही है. हमने सपोज किया है एक्स इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, वाई इज द स्पीड ऑफ अदर कार. सो इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों की स्पीड्स को डिफर करें, यानी एक्स और वाई दोनों स्पीड्स हैं, अगर इन दोनों का आप माइनस करके डिफरेंस लें तो वो कितना आना चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड इंफॉर्मेशन में वो ये कह रहा है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 hours. 4.5 hours यानी 4 hours एंड 1/2. तो 4.5 hours के बाद वो दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस रह गया वो 123 किलोमीटर रह गया. तो एक्चुअली उन्होंने 4.5 hours के दरमियान डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस माइनस जो अभी डिस्टेंस रह गया 123 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इतना उन्होंने अभी डिस्टेंस कवर किया. अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 4.5 लिखा जा सकता है इसे, 4.5x प्लस 4.5y इक्वल्स टू 600 माइनस 123 इज इक्वल टू 577. दिस इज योर सेकेंड इंफॉर्मेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है, इन दोनों इक्वेशन से आप पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनाइए, अभी मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं. तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो होगी, मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप बनाएंगे एक्स और वाई, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट आपको 1 नजर आ रहा है और वाई का कोफिशिएंट -1 है, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 4.5 है और y का कोफिशिएंट भी 4.5 है. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स जो आपके पास x और y है, यहाँ पे आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए जो स्पीड्स ऑफ कार है, और इक्वल टू, दिस इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स. कांस्टेंट कौन सा है, 6 एंड 577. नो, 5 नहीं, इट इज एक्चुअली 477, बिकॉज 600 माइनस 123 इज इक्वल टू 477. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6. अब इसको आप क्रामर्स रूल या फिर इसे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे तो दोनों से ही आपको स्पीड्स ऑफ अलग अलग जो कारें हैं उनकी मिल जाएगी, x एंड y. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.6.